नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बुनियादी ढांचे को लेकर सरकारी तंत्र का रवैया और जिम्मेदारी की हकीकत क्या है, उसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है लखीमपुर से, जहां एक पुल को लेकर ऐसा खेल हुआ जिसने सरकारी खजाने को तो चूना लगाया ही और साथ ही भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसके आईने में अच्छे अच्छे चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में परियोजनाएं ऐसे ही पूरी होती हैं? क्या इसी तरह पैसों के दुरुपयोग का नतीजा है कि तमाम सरकारी घोषणाएं और ऐलानों के बाद भी जमीन पर विकास की तस्वीर नहीं दिखती? क्या जरूरी नहीं कि ऐसी कारगुजारियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ ऐसी सख्ती हो कि दूसरे भी सबक ले सकें? भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलते इस खुलासे पर चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर में बने इस पुल को देखिए। हवा में लटके इस पुल की जरूरत किसे होगी? इस पुल का कितना इस्तेमाल होता होगा? इस पुल से कौन गुजरता होगा? ये तमाम सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। चौतरफा पानी से घिरे इस पुल का सिर्फ ढांचा नजर आता है। लागत लगी है 3,36,00,000, मगर सारा पैसा पानी में। दरअसल एक अफसर की जिद ने इस ढांचे को यूं ही हवा में लटका दिया। कहां तो इलाके में पुल के लिए सरकारी मेहरबानी हुई थी, मगर ये मेहरबानी ऐसी हुई कि ना ही अब यहाँ के लोग खुश हो सकते हैं और ना ही खफा। आखिर दोष दें तो किसे दें? थोड़ी बहुत समस्या इसमें बन गई थी के बाद में नदी काट ली, उस कटान के जरिए से पुल अधूरा रह गया। उसकी कोई समस्या नहीं जाहे जो होती है तो ना कोई देखने वाला ना कोई कुछ, तो अब हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है कि वे पैदल उतरने से इन्हें कोई पैर पाता है, कोई तैर पाता है, कोई नहीं तैर पाता है, तो उसमें डूबने की समस्या होती है। ये पुल है यूपी के लखीमपुर जिले में, जिससे जुड़ी दिलचस्प कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे खेल की शुरुआत हुई 2008 में, जब चौका नदी पर नुआपुर मुड़िया नाम की जगह पर 80 मीटर लंबा पुल स्वीकृत हुआ। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए जारी हुए। पुल बनाने की जगह चिन्हित कर ली गई, सेतु निगम को काम मिला, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर हरेंद्र वर्मा को इसकी जिम्मेदारी मिली। कुछ दिनों बाद 18 फरवरी 2009 को सेतु निगम के अधिशासी अभियंता ने रिपोर्ट दी कि पुल उस जगह पर नहीं बन रहा जहां चिन्हित हुआ है, इसलिए काम रोका जाए। लेकिन काम रुका नहीं। 5 मार्च 2009 को तत्कालीन डीएम ने भी सेतु निगम के एमडी को पत्र लिखकर बताया कि पुल गलत जगह पर बन रहा है। इसके बाद भी काम नहीं रुका। 2011 में उसी गलत जगह पर पुल बनकर तैयार हो गया। 3 जनवरी 2011 को इसकी जांच के लिए 6 लोगों की समिति बनी और 7 जनवरी 2011 को इस समिति ने प्रोजेक्ट मैनेजर हरेंद्र वर्मा पर कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुल पर 3,36,00,000 रुपए खर्च हो गए। बाद में मामला शासन तक पहुंचा, लिहाजा एक बार फिर जांच समिति बना दी गई। 16 अक्टूबर 2014 को फिर से 4 लोगों की समिति बनी ये जांचने के लिए कि ये पुल जनउपयोगी है या नहीं। 21 दिसंबर 2014 को इस समिति ने भी कह दिया कि ये पुल जनोपयोगी नहीं है, यानी जनता के पसीने की कमाई 3,36,00,000 गए पानी में। मामला विधानसभा की लोक लेखा समिति तक गया। सेतु निगम से पूछा गया कि ऐसे कैसे हुआ। जवाब में एक समिति फिर से बना दी गई, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मैं अपने लेवल पे सेतु निगम की 2-3 अच्छे ऑफिसर्स की, एक्सपर्ट्स की मैं एक कमेटी बना रहा हूं, जो वास्तव में वहां पे जाके साइट पे ये फाइंडिंग्स देंगे कि ये वास्तव में जनउपयोगी नहीं रहा, ये गलत बन गया पुल, या इसमें क्या कारण रहा। जांच पर जांच हुई, समितियों पर समितियां बनी, नतीजा लेकिन निकला नहीं। इस हवाई पुल को बनाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर हरेंद्र वर्मा का प्रमोशन भी हो गया और ये कंक्रीट का ढांचा सरकारी लूट तंत्र की एक ऐसी तस्वीर बनकर रह गया जिसके बदलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और खास मेहमान है चर्चा करने के लिए लखनऊ से बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल हमारे साथ हैं और साथ ही सेतु निगम अभियंता संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार मिश्र जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूं। अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, इस पुल का दरअसल इस्तेमाल आपको क्या नजर आता है, क्यों बना दिया गया था इसे? जी, एक्चुअली जब ये पुल 2008 में स्वीकृत हुआ तो फिर उस समय उसका जो भी डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज के हिसाब से लंबाई उसकी फिक्स की गई और लंबाई
फिर बाद में 2010 में जब बाढ़ आया सारदा में, 2011 में बाढ़ आया, तो जो इसका अप्रोच उसमें बना था वो बाढ़ के कारण बह गया। और जब ये बह गया तो बात ये आती है कि ये पुल बनना था अथवा नहीं बनना था। देखिए उस समय का डिस्चार्ज वही था, उसके हिसाब से लंबाई बनी। उस समय के डिजाइन इंजीनियर या उस समय सेतु निगम की जो टीम गई थी, उसको जो साइट सिलेक्शन किया था, किसी की भी गलती नजर नहीं आती है। और जब ये 2010-11 में बाढ़ आया शारदा में, तो तीन धाराएं, बड़ी बड़ी धाराएं निकली जो कि चौका में आ गई, चौका नदी में समाहित हो गई, चौका नदी का वहां अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आज के डेट में अगर देखा जाए तो वहां का डिस्चार्ज 1200 क्यूमेक हो गया है, जबकि उस समय 480 क्यूमेक था। तो इस तरह जब वो बाढ़ के कारण तीनों धाराएं वहां आ गई चौका नदी में और चौका नदी उसमें समाहित हो गई, तो उस लिहाज से अब कोई भी मतलब ये कहा जाए कि उस समय किसी इंजीनियर की गलती थी या डिजाइन वालों की गलती थी या प्रोजेक्ट मैनेजर की गलती थी, तो मैं तो यही कहूंगा है जो अभियंता संघ के पूर्व अध्यक्ष, मैं यूपी इंजीनियर एसोसिएशन का भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूं 10 साल, मैं ये कहूंगा कि इसमें कहीं से भी कोई चूक नहीं हुई है। शिव प्रताप शुक्ला जी, साफ साफ कहना है विनोद कुमार मिश्रा जी का कि यहाँ दरअसल कोई चूक हुई नहीं। 2008 में जो चीजें भापी गई थी वो सही थी, 2000 आते आते तक स्थितियां बदल गई, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए श्वेता जी, अभी जो मैं पुल का चित्र देख रहा हूं कि नदी में एक पुल बना है, आप लोगों की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी गलत जगह पर पुल बनने की बात बताई थी, श्वेत निगम के एमडी को लिख करके भेजा था और लोगों ने भी लिख करके भेजा था। लोक लेखा समिति भी जो जांच करती है वह पूरी तौर पर रिपोर्ट देख करके जांच करती है। विनोद कुमार मिश्र जी अभियंता है, अभियंता संघ के है, सेतु निगम के हैं जी। मुझे लगता है कि आज ये सेवा में नहीं है, बिल्कुल, तो सेवा में न होने के नाते इनको पूरी तौर पर खुल करके गलती और सही की बात करनी चाहिए थी। इन्होंने उसको नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि उस समय की स्थिति थी, अब उस समय की स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं। आज जो चित्र देख रहा हूं उस चित्र के आधार पर अगर यह सही है तो मुझे लगता है कि इस स्थान पर पुल नहीं बनना चाहिए था। और ये कोई एक जगह की बात नहीं बहुत है, बहुत सही, यही बात में समझ लिया। अभी मैं आपको बस्ती या अन्य जगहों पर भी दो एक जगह बता सकता हूं जहां इस प्रकार का पुल खड़ा है और जिसकी न तो कहीं अप्रोच बना सकता है न कुछ बना सकता है। लोकल प्रेशर के आधार पर ठेकेदारों के दबाव में या कुछ तथा कथित जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो इस प्रकार का काम किया करते हैं, उनके दबाव में अभियंता इत्यादि बना देते हैं। मुझे लगता है यह परिणाम उसी का है और इसकी गहराई से जांच तो कई बार हुई और सभी ने जांच ने रिपोर्ट ये दिया कि नहीं, गलत बना है, नहीं बनना चाहिए था। तो यहां बैठ करके हम उस जांच को जुठला नहीं सकते हैं। जांच पर जांच यह उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जो विनोद कुमार जी, अब मुझे यही सवाल, यही दरअसल मैं समझना चाहती हूँ। आप कहते हैं नहीं, कुछ गलत नहीं था, 2008 में देखा गया था तो जो वहां पर वाटर लेवल का प्रेशर था, तमाम चीजें थी वो बिल्कुल ठीक थी, 2010 आते आते तक स्थितियां बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब जांच रिपोर्ट आई है तो जैसा बता भी रहे हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा गया है कि नहीं, गलत जगह पर डिसीजन लिया था पुल बनाने का। ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज दरअसल दूरगामी प्रभाव को देखते हुए होती है, ना कि शॉर्ट टर्म पीरियड को देखते हुए? श्वेता जी, उसमें ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अभी जो 2014 में एक चीफ इंजीनियर पीरोडी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें इरिगेशन के भी चीफ इंजीनियर थे, एमडी ब्रिज कॉरपोरेशन भी थे, उसमें ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है कि ये गलत बना, लेकिन ये कहा गया कि अब ये जन उपयोगी नहीं है। देखिए 2008 में जो स्वीकृति हुई, जो भी गवर्नमेंट नहीं, तो जन उपयोगी बात बताइए विनोद मिश्रा जी, जन उपयोगी कैसे होगा जब ये पुल का जो निर्माण है यही पूरा नहीं हुआ, बीच में आके नदी के पुल वहां पे खड़ा हुआ है, तो ये जन उपयोगी कैसे होगा? जो चीज पूरी नहीं हुई वो जन उपयोगी कैसे हो सकती है? देखिए ऐसा है ना कि 2010 में जो बाढ़ आई, 2011 में जो बाढ़ आई, जो इनके अप्रोच रोड को और अतिरिक्त जो पहुंच मार्ग है सबको जो उन्हें बहा दिया, ये विभीषिका को कौन जानता था 2008 में? 2008 में तो जो टीम गई और वहां जो डिस्चार्ज था उसके हिसाब से लंबाई उन्होंने निकाला
और लंबाई निकाल के डिजाइन ये पुल बनना शुरू हो। इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे आप कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है किसी जगह पर अगर कोई चीज बनाने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो उस वक्त की स्थितियां होती हैं उसके साथ साथ भविष्य में क्या कुछ हो सकता है इन बातों को भी तो ध्यान में रखा जाता है। इस बार ये कहेंगे 2008 में कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ जो उस वक्त की कंडीशन थी वो मॉनिटर की गई। देखिए जो डीएम ने लिखा और जो सारी बातें हुई 2012-2013 में जब भी बात आई है हाँ। उस समय देखिए 2010-11 की बाढ़ के बाद ही सब लोगों ने उसमें लिखा है और 2008-09 में जब पुल शुरू हुआ तो कोई नहीं जानता था कि 2010-11 में बाढ़ आएगी और बाढ़ आने के बाद जब पानी छोड़ा गया तो नेचुरली तटबंध जो बने थे इरिगेशन के वो सब ढह गए और उसके ढहने के बाद तीन धाराएं निकली हैं, तीन धाराएं 800 मीटर 450 मीटर और 30 मीटर में निकली हैं और तीनों धाराएं एक होकर उसमें आई हैं और उसमें ये चौका उसमें समाहित हो गई। इस बात को 2008-09-10 में कोई नहीं जानता था। ये सही है कि अब वो पुल कतई जनउपयोगी नहीं रहेगा और वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। जनउपयोगी कहां से रहेगा जब वो चीज पूरी ही नहीं हुई है, जो बात आप लगातार कह रहे हैं कि जनउपयोगी कैसे रहेगा? भाई नहीं बनी, वो हो ही नहीं सकता, नहीं भविष्य में भी नहीं हो सकता। लेकिन जो पैसा खर्च हुआ है बना दे सब कुछ हो जाए हाँ। अब हो ही नहीं विनोद सकता कुमार मिश्रा जी हाँ, जो पैसा खर्च हुआ है वो जनता का ही तो पैसा है, जनता के कामों में लगना है और उसी का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि आधा अधूरा पुल हवा में लटका हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होना, वो पैसा तो बर्बाद हो गया सिर्फ और सिर्फ गलत डिसीजन की वजह से। लगातार हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के उस पुल की जो हवा में लटका हुआ है जिसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च हो गए लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया और अब ये कहा जा रहा है कि ये जनउपयोगी नहीं हो रह गया। अब सवाल तो ये कि जब चिन्हित जगह पर पुल नहीं बनेगा तो फिर वो जनउपयोगी कैसे रहेगा। ये देखिए पुल की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका मकसद क्या रहा होगा, किस तरह से पैसे की बंदरबांट हुई, किसके पास गया और इसका फायदा किसको मिल रहा है। ये कई वो सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और चर्चा करने के लिए खास मेहमान है लखनऊ से बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल हैं और साथ ही सेतु निगम अभियंता संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी एक बात बताइए कि चलिए जब ये पुल बन रहा था तभी इसे क्यों नहीं रोक दिया गया अगर लगने लगा था कि गलत है, क्योंकि 2009 की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भी ये बात साफ साफ थी कि जहां पर इस पुल को होना चाहिए था, जहां बनना चाहिए था वहां ये बन ही नहीं रहा था। तो बार बार जब ये बातें सामने आ रही थी तो इसको रोका क्यों नहीं गया, क्या कहें कि एक अड़ियल रवैये के आगे एक मनमाने तरीके के आगे सब विवश हो गए। श्वेता जी अभी आपके सामने प्रकरण है यादव सिंह का, इतना घोटालेबाज इंजीनियर है और उसके बावजूद भी उसको प्रमोशन दर प्रमोशन दिया जाता रहा, चाहे पिछली सरकार में चाहे इस सरकार में। कोर्ट भी जब पूरी तौर पर ये हुई तब किसी तरह से वो रुका, लेकिन आज उसका सस्पेंशन ये दिखाया जा रहा है इस पर नहीं कि घोटाले पर, इस पर दिखाया जा रहा है कि यह विभिन्न स्थितियों में अपने कार्यालय में नहीं आए। तो ये जब तक शासन इस पर गंभीर नहीं होगा, अगर ये रिपोर्ट हम रिपोर्ट पर को देखे नहीं है लेकिन अगर ये रिपोर्ट 2009 की है जिसमें कहा गया है कि जनउपयोगी नहीं है और गलत स्थान पर बना है तो निश्चित रूप से उस पर जिसने भी बनाया उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। शारदा की जैसे अभी मिश्रा जी जो बता रहे हैं, शारदा की स्थिति जरूर है कि कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, अगर वह स्थिति होती है तो फिर मैं नहीं उस पर कुछ कह सकता हूं, लेकिन डीएम इत्यादि ऐसे ही रिपोर्ट नहीं दे देंगे। तो डीएम के रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, शासन को करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि शासन शिव प्रताप जी दरअसल हमारे पास वो दस्तावेज है इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं लगातार और दस्तावेज की जो कई ऐसी बातें हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। विनोद कुमार मिश्रा जी आप जो 2010 और 11 की विभीषिका की बात कर रहे हैं वो तो बाद में आई थी, 2009 की जो रिपोर्ट आई थी वही उसी में तत्कालीन डीएम ने कहा था कि पुल गलत जगह पे बन रहा है, फिर किस बात का शक था, फिर क्यों इसे बनाने के लिए आगे बढ़ा जाता रहा? अगर श्वेता जी ऐसी रिपोर्ट डीएम ने 2009 में किया है
तो निश्चित तौर पर ये काम उस समय रुकना चाहिए था। हालांकि उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर अब जांच उसकी हो रही है तो जो भी अभियंता, अगर देखिए अभियंता भी सब अच्छे नहीं होते हैं, उसमें भी एक से एक घोटालेबाज हैं, जैसा कि अभी उपाध्यक्ष जी ने कहा, भाजपा के उपाध्यक्ष जी ने कहा, यादव सिंह का प्रकरण बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को अगर सरकार प्रश्रय देती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें भी अगर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अभियंताओं की जो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अहम सवाल तो ये हो रहा है, विनोद कुमार मिश्रा जी, कार्रवाई की तो तब बात होगी ना जब आप चीजों को पकड़ेंगे, जब गलत बातें हो रही थी, जब नियम विरुद्ध सारी चीजें हो रही थी, तब क्यों सब आंखें मूंदे रहे? अब जब सब कुछ सामने आ गया है, घोटाला हो चुका है, जनउपयोगी नाम का है सिर्फ ये पुल और दरअसल है उसमें कुछ भी नहीं, तब ये बात कही जा रही है कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर 2010 के पहले की रिपोर्ट है जब पुल बना, तो मैं तो ये कहूंगा उस समय रोका जाना चाहिए था। अगर बीबीसी का आने के पहले की रिपोर्ट है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। जी, अगर आप वहाँ पर टीवी का मॉनिटर हो तो आप देख भी सकते हैं, रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं। तो ये बात कहना कि रिपोर्ट, चूंकि आपके पास भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है और इसी के आधार पर हम ये बात रख रहे हैं। नहीं, अगर आपके पास इसकी रिपोर्ट है, आप देखिए, तो एमडी ने कहा ही है कि मैं इसकी जांच करा रहा हूं और निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो वर्तमान में सरकार तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को धनबल के आधार पे जो नियुक्ति कर रही है, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे इस तरह के कांड होते रहेंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे घोटाले, एक बात बताइए, उस वक्त सेतु निगम के अधिकारियों ने सीधे तौर पर क्यों नहीं इंटरफेयर किया रोकने के लिए? नहीं, सेहत निगम के अधिकारियों को, देखिए मैं बता रहा हूँ कि 2008 से 10 तक मेरे हिसाब से उस समय तक कोई रिपोर्ट नहीं थी। आप क्या विनोद जी, जब सामने रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं थी? अगर मैडम मुझे उसकी जानकारी देखिए है नहीं, 2009 की रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं, 2011 से जो रिपोर्टें आई हैं, मैं 2014 तक सेहत निगम में रहा हूं, उस समय की रिपोर्ट मैं जानता हूं। एचके वर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर का जो जिक्र आया है, निश्चित तौर पर उन्होंने लिखा था, लेकिन उस पर जो कमेटी गई, वो कमेटी कही कि नहीं, इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो जांच नहीं थी। एक कमेटी सेहत निगम ने बना के उसमें भेज दिया था, और अब जो जांच हो रही है, जैसा कि एमडी ने कहा है कि मैं उसकी जांच, ये जांच निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, बहुत अहम सवाल तो यही है कि जब चीजें आगे बढ़ गई, सब कुछ भगवान भरोसे हो गया, उसके बाद ये कह देना जांच हो रही है, क्या महज खाना पूर्ति है? लोगों के पैसे को क्या होगा जो बर्बाद हो गया, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और किसकी जेब में गया? क्या वाकई उसको सजा मिल पाएगी? आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।